नमस्कार साथियों, दूरदृष्टि ज्ञान यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 15 मई 2021 का सभी राशियों का लव राशिफल कैसा रहेगा। तो आज के दिन वार रहेगा शनिवार। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कुछ आग्रह करना चाहूँगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में आए बेल आइकन को ज़रूर दबाएँ ताकि कोई नई वीडियो आए तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो आइए जानते हैं सबसे पहले मेष राशि वालों के बारे में। तो मेष राशि वालों, आज का दिन प्रेम करने वालों के लिए काफ़ी अच्छा है। अगर आप अपने प्रेम को शादी में बदलना चाहते हैं तो आज का दिन आपके लिए यह शुभ संदेश लेकर आ रहा है। शादीशुदा लोगों को कहीं से गिफ्ट मिल सकता है। अब बात करते हैं वृषभ राशि वालों की। तो वृषभ राशि वालों, प्रेम संबंधों को लेकर दिन अच्छा कहा जाएगा। प्रेमी जीवन में वृद्धि के लिए आप कुछ नया अनुभव करना चाहेंगे और आपके यह अनुभव आपकी उम्मीदों के अनुरूप खरे उतरेंगे। प्रेमी के सामने आपका एक सकारात्मक पहलू निखर कर बाहर आएगा। अब बात करेंगे मिथुन राशि वालों की। तो मिथुन राशि वालों, लव रिलेशनशिप में विश्वास और प्रेम बढ़ेगा। प्रेमी से अचानक कोई खास खबर मिल सकती है। जीवन साथी पर विश्वास बनाए रखें, आपकी अविश्वास की भावना बढ़ते हुए रिश्तों पर रोक लगा सकती है। प्रेमियों के लिए दिन उत्तम है, प्रेम विवाह की संभावना बन रही है। आपका अकेलापन दूर होगा, मित्र या साथी का सहयोग मिलेगा। अब बात करते हैं कर्क राशि वालों की। तो कर्क राशि वालों, इस दिन आज आप यात्रा पर जा सकते हैं। शादीशुदा लोगों के बीच बच्चों के पीछे झगड़ा हो सकता है। आज के दिन आपके लिए कहीं से रिश्ता आ सकता है। इस दिन आपका किसी के साथ प्रेम प्रसंग आगे बढ़ सकता है। अब बात करेंगे सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, प्रेम संबंधों की गहराई को समझें और साथ ही प्रेमी को भी समझने का प्रयास करें। किसी भी बात की तह तक जाकर उसे समझने की क्षमता आपके भीतर बहुत गहरे तक है, जिसकी कोई था नहीं पा सकता। फिर आप प्रेम संबंधों को लेकर कैसे मार खा सकते हैं। अब बात करेंगे कन्या राशि वालों की। तो कन्या राशि वालों, नए प्रेम संबंधों की शुरुआत जीवन में खुशियाँ लाएगी। माता का सहयोग आपके टूटते हुए रिश्तों में सुदृढ़ता लाएगी। किसी भी छोटी बात के कारण प्रेमी या जीवनसाथी के साथ लड़ाई हो सकती है। जीवनसाथी के साथ अच्छा व्यवहार करें, तभी रिश्तों में अनुकूलता आ पाएगी। परिवार में धन आमदनी को लेकर तनाव आ सकता है। अब बात करेंगे तुला राशि वालों की। तो तुला राशि वालों, आज आप अपने आप को ऊर्जावान महसूस करेंगे। किसी के साथ प्रेम संबंध भी आगे बढ़ सकता है। वैवाहिक जीवन जोड़ों के लिए दिन काफ़ी अच्छा है। पति पत्नी आज भविष्य को लेकर कोई योजना बना सकते हैं। अब बात करेंगे वृश्चिक राशि वालों की। तो वृश्चिक राशि वालों, प्रेम संबंधों की कदर करें। कहीं ऐसा ना हो जाए कि आपके नाजो नखरे को उठाने की शक्ति प्रेमी के अंदर कमज़ोर पड़ जाए। आप भाव खाते रह जाएंगे और प्रेमी आपकी लव लाइफ से अपना नाम मिटाकर आगे बढ़ जाएगा। सचेत रहें। अब बात करते हैं धनुराशि वालों की। तो धनुराशि वालों, आज रोमांचक और रोमांच से भरा दिन है। लव पार्टनर के साथ अद्भुत पल बिताएंगे। आप अपने साथी को इम्प्रेस करने की कोशिश करेंगे। शादी के लिए उसे अपने परिवार से मिला सकते हैं। आपके आकर्षण और व्यक्तित्व का लोग लोहा मानेंगे। पति पत्नी के जीवन में परेशानी आ सकती है। एक दूसरे की जरूरतों को समझने पर लड़खड़ाते वैवाहिक जीवन में सुधार आएगा। अब बात करेंगे मकर राशि वालों की। तो मकर राशि वालों, आज आपके लिए कोई रिश्ता आ सकता है। मन उदास रहेगा। धन के अपव्यय के कारण मन उदास रह सकता है। पिता की बात से आज आपको लाभ होगा। वैवाहिक जीवन में किसी तरह का तनाव आ सकता है। अब बात करेंगे कुंभ राशि वालों की। तो कुंभ राशि वालों, कुछ ऐसी बातें जो आपके मन में बहुत दिनों से गहरी बैठी हुई हैं, उन्हें आप प्रेमी के साथ शेयर कर सकते हैं। प्रेमी आपकी इस अदा पर पूरी तरह से फिदा हो जाएगा कि आप उसका महत्व अपनी लाइफ में कितना ज़्यादा समझते हैं। अब अंत में बात करेंगे मीन राशि वालों की। तो मीन राशि वालों, कार्य में व्यस्तता के कारण आप अपने प्रेमी को समय नहीं दे पाएंगे। बातों को बर्दाश्त नहीं करने के कारण प्रेमी से झगड़ा हो सकता है। इस समय ज़रूरत है शांत रहने की। सचेत रहें, आपका ब्रेकअप भी हो सकता है। आज आपको महत्वपूर्ण निर्णय लेने पड़ेंगे। अपनी सोच को सकारात्मक बनाएं। माता की सेहत का ख्याल, विशेष ख्याल रखें। तो साथियों, इस वीडियो में हमने जाना सभी राशियों का राशिफल। आशा करते हैं हमारे द्वारा बताई गई ये बातें आपको पसंद आई होंगी। अगर
पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।